कभी अभिभाजित मध्य प्रदेश की सरगुजा जिला पंचायत सदस्य रही यशोदाबाई आज भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर रही है। जब वो जिला पंचायत की सदस्य थी तो पार्टी के आला नेताओं के साथ अच्छी खासी जान पहचान थी, लेकिन आज उनका हालचाल पूछने वाला कोई नहीं है। यशोदाबाई के 3 बेटे और 1 बेटी है। बेटी शादी के बाद गुजरात के सूरत चली गई तो वहीं कई सालों तक सरपंच रहे। पति की मौत के बाद बच्चों ने माँ से वास्ता नहीं रखा, जिसके चलते वो एकांकी जीवन जी रही है और भीख मांग कर अपना गुजारा कर रही है। यशोदाबाई को पीएम आवास का लाभ तक नहीं मिला है, साथ ही राशन कार्ड से भी उनका नाम नवीनीकरण ना होने के चलते काट दिया गया है। बहरहाल जिले के कलेक्टर ने इस पर पहल करते हुए यशोदाबाई का नया राशन कार्ड जारी कर दिया है, साथ ही अधिकारियों को उसके घर भेजकर शासकीय लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू करवा दी है।